क्या आपने अपनी गाड़ी की फ्यूल टंकी फुल करा रखी है? अगर नहीं तो जल्दी करें, क्योंकि कुछ ही घंटों में आपके शहर में पेट्रोल पंप बंद होने वाला है। ऐसे में गाड़ी में ईंधन भरवाने के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पिछले कई दिनों से राजस्थान में पेट्रोल पंप को चलाने वाले मालिक की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा ऐलान किया गया है कि वो 10 मार्च से हड़ताल पर रहेंगे। आइए जानते हैं कब तक, कहां और क्यों बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। राजस्थान में शनिवार की रात 12 बजे से 12 मार्च तक प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि सरकार लंबे वक्त से वैट में कटौती नहीं कर रही है, साथ ही डीलर्स के कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में प्रदेश भर के पेट्रोल और डीजल पंप चालकों ने 10 मार्च यानी शनिवार रात 12 बजे के बाद से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसी तरह की देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।